संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया है और दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया सात दिसंबर से शुरू हुए सत्र के आखिरी दिन भी संसद में हंगामा देखने को मिला वैसे यह सत्र 29 दिसंबर को खत्म होने वाला था लेकिन विपक्षी नेता तवांग झड़प मामले पर लगातार चर्चा की मांग कर रहे थे जबकि सरकार इस मुद्दे से बचती नजर आई तो आज क्या कुछ हुआ सदन में देखते हैं ये रिपोर्ट संसद का शीतकालीन सत्र का आज तेरहवा दिन था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभा में शीतकालीन सत्र के दौरान कामकाज का ब्यौरा दिया वहीं राज्यसभा में भी सभापति जगदीप धनखड़ ने शीतकालीन सत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान कुल तेरह बैठकें हुई सदन में चौसठ घंटे 50 मिनट तक कामकाज हुआ और 102 प्रतिशत उत्पादकता रही वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि सभा में सदस्यों ने लोक महत्व के तीन मामले उठाए तीन के अधीन दो सौ मामले उठाए लोकसभा की स्थायी समितियों के 36 प्रतिवेदन सभा में पेश किए गए छप्पन प्रश्नों के उत्तर दिए गए मंत्रियों ने तेईस वक्तव्य दिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 दिसंबर के तवांग झड़प को लेकर पिछले हफ्ते दोनों सदनों को संबोधित किया था लेकिन विपक्ष ने केंद्र पर इस मामले पर चर्चा की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया तो दूसरी तरफ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसा कभी नहीं होता या अपने ऑफिस में कुछ भी कहता हूँ तो सभापति या किसी और को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए इसके बाद विपक्ष ने एक बार फिर तवांग पर चर्चा की मांग की और विरोध तेज होने के बाद आज राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई तो वहीं आज लोकसभा भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई वैसे इस बार शीतकालीन सत्र 29 दिसंबर तक चलना था लेकिन विपक्ष के सवालों और चर्चा की मांग को लेकर परेशान सरकार ने वक्त ऐसी पहले ही सत्र समाप्त कर दिया इसके बाद संसद में सभी नेता सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ नजर आया पीएम मोदी और सोनिया गांधी भी इस बैठक का हिस्सा थे डीबी लाइव की रिपोर्ट